नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए NCERT मैथमेटिक्स का लेसन लेके आया हूं। पिछले वीडियो में आपने 3.2 देखा था, जिसका पार्ट 1 देखे हैं। तो आज पार्ट 2 चलेंगे। तो उसमें आपको एक नंबर का दो सवाल बताया गया था, आज हम लोग दो नंबर का सवाल सीखेंगे। तो दो नंबर का सवाल सीखने से पहले ध्यान दीजिए, आपने पहले क्या देखा था कि अब दो सवाल में आपने सीखा है, क्या सीखा है कि ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ जब खींचे थे तो देखिए, आप कोई भी सवाल लीजिएगा, उसका जब ग्राफ खींचे थे तो आप ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ खींचने में ऐसा लाइन आया था, ग्राफ खींचने में आपको ऐसा लाइन आया था, ऐसा लाइन आया था ग्राफ खींचने में आपको, ठीक है। तो आपको कहे थे कि यहाँ जो कट होता है, ठीक है, तो यह इसका क्या होता है, हल होता, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ग्राफ, जब किसी भी दो समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो उसमें तीन कंडीशन आ सकता है। एक कंडीशन तो ऐसे कट सकता है, एक कंडीशन आपका आ सकता है ऐसे, ठीक है, यानी कि समांतर रेखा आ सकता है, ठीक है। तो इस रेखा का नाम जो आपका है, एक कंडीशन आपका ऐसे आ सकता है, एक कंडीशन ऐसे आ सकता है, एक कंडीशन क्या होगा ऐसे ही, इसके ऊपर भी दूसरा हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी दूसरा। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे उसमें तीन कंडीशन आ सकता है, एक तो ऐसे कट सकता है, एक समांतर हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन पर काट रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है, इसको बोलते हैं समांतर और इसको बोलते हैं समपाती, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, इसको क्या बोलते हैं, समांतर, इसको क्या बोलते हैं, समपात, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं कि प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आपको जब ग्राफ खींचे थे तो उसका एक्स और वाई का हल में देखे थे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक जगह पे क्या करता, प्रतिच्छेद कर रहा। तो आपको बताए थे कि जितना जगह पे काटेगा उतना उसका हल होगा, एक जगह पे काटा था तो एक्स वाई का एक हल मिला था। अब देखिए, आपको पूछेंगे कि इस दोनों लाइन में कहीं काटता है, एक बार भी नहीं काटता, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इस लाइन पे बोलेंगे एक लाइन दूसरे को कितनी बार काटता है, तो आपका जवाब होगा कि अनंत बार काटता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका हो गया, ठीक है, दूसरा इसके लिए होगा केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक हल, ठीक है। समांतर के लिए होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और संपाती के लिए होगा अनंत हल, अनंत हल, इसका मतलब हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको आप अनेक हल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर देखिए दूसरे भाषा में, किताबी भाषा में केवल एक हल को लिखेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। और इसको एक दूसरा बात बोलेगा, इसको संग, इसको, ठीक है, इसको संगत भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई हल नहीं हुआ तो इसको असंगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। तो इस बात को आप जान रहे, समझ रहे, ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जो दो नंबर का सवाल आएगा उसमें यही पूछेगा कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये सब बात आप कब जान पाइएगा, जब आप दिए गए समीकरण का ग्राफ खींचेगा। लेकिन आप बिना ग्राफ के भी जान सकते हैं, यही बात आपको सीखना है। तो इसमें बोला गया है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 के अनुपात का आप तुलना करके बताइए कि रेखा कैसा होगा, समांतर होगा कि समपाती होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो इसको आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल बोल दिए, प्रतिच्छेद के, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, इसका कोई हल नहीं, तीनों बोल दिए हैं। एक और इसका नाम है जो आप देख रहे हैं, समपाती रेखा को एक किताबी भाषा में इसको आश्रित भी बोलेगा, क्या बोलेगा, आश्रित, ठीक है। और ये जो है एक प्रतिच्छेद, इसको अविरोधी भी बोलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ अविरोधी, ठीक है, अविरोधी भी बोलेगा। तो इस बात को आपको पहले तो इसको
इस फोटो को देख के आपको इसको रटना होगा कि यदि ऐसा है तो प्रतीक्षित और ज्यादा रटना नहीं। देखिए आप इस फोटो से देख के समझ रहे हैं एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के संपाती है। ये जानना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर एक बार काट रहा तो एक हल, एक बार भी नहीं काट रहा तो कोई हल नहीं, अनेक बार काटा तो अनेक हल हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पढ़े हैं ठीक है, तो आप समीकरण को पढ़े हैं तो देखते हैं समीकरण। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई समीकरण लिखा हुआ x प्लस टू वाई और माइनस फोर बराबर जीरो, फिर दूसरा आपका लिखा हुआ है 2x प्लस फोर वाई माइनस बारह बराबर जीरो, ठीक है बराबर जीरो। देखिए इसको बोलिए समीकरण एक, इसको बोलिए समीकरण दो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको एक चीज बताया गया था, जब ऐसा लिखते हैं माने समीकरण लिखते हैं तो इसका एक व्यापक रूप होता है, ठीक है। आपको सिखाया समझाया गया था, ऐसे क्या समझाया गया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। देखिए जितना भी आपको सवाल होगा इसी कंडीशन में, इसी फॉर्मेट में आपको लिखा मिलेगा, यदि नहीं लिखा मिला है तो आप उसको इस फॉर्मेट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसकी इसकी तुलना कीजिए, नहीं तुलना करने से आपको पता चल रहा होगा कि x के जो बगल में होता है उसको a बोलते हैं, y के बगल में जो होता है उसको b बोलते हैं, और x जो बोलता है उसको c बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, इस लाइन को इसको बोले हैं समीकरण एक, इसको बोले हैं समीकरण दो, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए मैं बोल रहा कि इसको बोलेंगे ए वन, तो x के बगल में कितना है वन है, ठीक है, और इसके लिए इसको बोलेंगे ए टू, तो इस x के बगल में कितना है टू है, ठीक है। दूसरा यहाँ से आप देखिएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे बी वन, तो बी वन कितना है टू, ठीक है, और इसके लिए आप देखेंगे तो B2 यह कितना है 4, फिर उसी प्रकार आप इसके लिए देखेंगे तो C1 यह है माइनस 4, और इसके लिए देखेंगे C2 यह कितना है माइनस 12, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है, इस बात को जब आप समझ चुके हैं तब आप ध्यान से एक चीज और देखिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, या मिटाता नहीं, चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, यानी कि आप बिना ग्राफ खींचे हुए इसकी तुलना करके बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती। उसके लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें प्रतिच्छेदी के लिए आपका क्या होगा, ए वन बटा ए टू बराबर नोट होगा बी वन बटा बी टू, ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद ये जो दूसरा है समांतर के लिए, यह क्या होता है ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, यहाँ पे नोट का सिंबल होता है, ठीक है। और संपाती के लिए क्या होता है, यह होता है ए वन बटा, संपाती के लिए क्या होता है आपका, यह होता है ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू बराबर सी वन बटा में सी टू, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप दिए गए समीकरण का ए वन बी वन ए टू बी टू ये सब लिख के इस कंडीशन में बैठा के आप इसका जांच कर सकते हैं कि आपको प्रतिच्छेद, यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रतिच्छेदी ये समांतर संपाती तो वो भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा विरोधी एक हल अनेक हल वो भी आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा रहेगा इनमें से कोई भी बात रहेगा तो सभी का जांच करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करके आप बताइए, ठीक है। तो ये बात अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं सवाल पे, सवाल नंबर दो देखते हैं, सवाल नंबर दो क्या है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और देखते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर दो क्या है, देखिए सवाल नंबर दो आप बुक में देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है कि अनुपातों ए वन बटा ए टू कोमा बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपात। यानी कि आपको दिए गए सवाल से जांच करना है कि इसमें से कैसा कंडीशन आता है, ऐसा कंडीशन आएगा तो आप बोलेंगे प्रतिच्छेद करता, ऐसा कंडीशन आएगा तो बोलेंगे समांतर है, ऐसा कंडीशन आएगा तो आप बोलेंगे संपाती, ठीक है। तो लिखते हैं सवाल को,
तो आपका है सवाल नंबर दो, इसका एक नंबर सवाल है। इसका एक नंबर सवाल क्या है, वह है आप देखेंगे, सवाल है आपका 5x-4y+8=0। इसको आप समीकरण एक बोलिए। फिर दूसरा इसी में है 7x+6y-9=0, इसको समीकरण दो बोल दीजिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना है, उसका अनुपात करना है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि x के बगल वाला a होता है, तो अगर समीकरण एक है तो इसको हम a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे, इसको b1 बोलेंगे, इसको b2 बोलेंगे, इसको c1 बोलेंगे, इसको c2 बोलेंगे। तो हम तुलना करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिख दीजिए। अब इसमें से क्वेश्चन में से भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे a1 कितना है 5/7 और a2 7 है, और b1 कितना है -4 और यहाँ पे 6 है, और उसके बाद c1 कितना है +8 -9। अब आप इस डेटा से आप देख सकते हैं, माने कि अंक से आप देख सकते हैं, आपको बोल रहे हैं कि 5/7 के बराबर कभी भी -4/6 होगा। यदि होगा तो यहाँ बराबर का साइन रहने देंगे, नहीं होगा तो काट देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप 5/7 का वैल्यू 4/6 के बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे काट देंगे। तो इस कंडीशन के लिए आपको कैसा मिला, इस कंडीशन के लिए आपको ऐसा मिला a1/a2 = b1/b2। तो इस कंडीशन को आप मिलाइए, इसमें से कौन सा है, इसमें से आपको दिख रहा होगा एक कंडीशन है, इस कंडीशन का आंसर क्या हुआ, प्रतिच्छेदी। तो एक नंबर सवाल का, जैसे ये सवाल हमने बनाया, इसका आंसर क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। क्योंकि हमसे सवाल में यही पूछ रहा था कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपातित, आपका आंसर क्या मिला, प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपका क्या है, यह है 9x, मैं इसमें दूसरा सवाल दे देता हूँ। यहाँ पर दूसरा सवाल है 9x+3y (9x+3y+12=0, इसको समीकरण एक। फिर 18x+6y+24=0, समीकरण दो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो में भी क्या करना, आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 भरना है, कंडीशन प्राप्त करना। ठीक है, तो देख देख के भरते हैं। चलिए a1 कितना है, यहाँ पे भरेंगे तो क्या होगा, 9/18, फिर होगा 3/6, फिर होगा 12/24। तो देखिए यह जो है यह कटने वाला है, इसको कटा देते हैं। देखिए इसको जब कटाइएगा तो आएगा 1/2, यह भी आएगा 1/2, यह भी आएगा 1/2। तो आपको एकदम नंबर से आपको दिख रहा होगा कि सभी आपस में बराबर हैं, इसलिए इस सवाल का कंडीशन हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में बराबर हैं। तो अब आप इस कंडीशन को मिलाइए आपके इसमें, तो तीनों जब बराबर हैं तो कौन सा कंडीशन आपको दिख रहा होगा, ये, और इस कंडीशन का क्या नाम है, संपाती। इसलिए इस सवाल का, सवाल नंबर दो का आंसर क्या हो गया, संपाती। क्या हो गया आंसर, संपाती। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप प्लीज मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के नीचे में चलता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगला इसी का सवाल नंबर तीन क्या है, देखिए सवाल नंबर तीन है 6x-3y (+10=0, समीकरण एक। 2x-y यहाँ पर है 2x-y (+9), 2x-y (+9=0, समीकरण दो। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर तीन क्या है, सवाल नंबर तीन आप देख रहे हैं, तो इसका भी आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, तो आप जानते हैं ये होगा 6/2, फिर क्या होगा -3/2, देखिए कुछ नहीं है तो -1, अगला क्या होगा 10/9। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हैं, इसको जब कटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 3/1, ये कट जाएगा, यह भी होगा 3/1, और इसमें कोई नहीं कटेगा।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों है बराबर, ये नहीं है बराबर, इसलिए आपका कंडीशन हो गया ए वन बटा में ए टू बराबर बी वन बटा में बी टू बराबर सी वन बटा में सी टू, जो कि बराबर नहीं है इसलिए ऐसे। तो इस कंडीशन को आप देखिएगा, आपको कौन सा कंडीशन मिल रहा है, आप कंडीशन देख सकते हैं ये वाला। तो इसका क्या होता है, समांतर होता है, क्या होता है समांतर, इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया समांतर, समांतर रेखा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे, तो फिर से चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर तीन। तो सवाल नंबर तीन में भी देखिए यही बात कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, अनुपातों ए वन बटा ए टू कोमा बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत, ठीक है। तो माने कि आपको फिर से सवाल नंबर तीन में भी यही बात कहा जा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर तीन का वन देखेंगे, अब आपको इसमें देखिए प्रतिच्छेदी वाला बात नहीं, संगत और संगत वाला बात कह रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो संगत बोलेंगे, ऐसा कंडीशन आएगा तो असंगत बोलेंगे, फिर ऐसा कंडीशन आएगा तो संगत बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं सवाल तीन का, तीन में जो सवाल है उसको देखते हैं। तीन में सवाल क्या, 3x प्लस 2y, एक नंबर सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इससे पहले सवाल देखे थे कि इस बराबर के इधर ही रहता था उधर जीरो होता था, तो आप जानते हैं कि बराबर के इधर कोई भी चीज़ करते उसका साइन चेंज करता, तो मैं बराबर के इधर करने के लिए यहाँ पे माइनस होगा आई बराबर जीरो होगा, ये हो गया समीकरण एक। दूसरा इसी में क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर आपका क्या है 7 है। तो अभी तुरंत आप जानते हैं इसको इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस 7 बराबर जीरो, यह आपका हो गया समीकरण दो। फिर से इसमें क्या करेंगे, ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू लिखेंगे, तो फिर से लिखते हैं, तो इसमें कितना होगा 3/2 उसके बाद 2/-3 और उसके बाद क्या होगा -5 और -7, ठीक है। तो अब आप इसको देख के बोल सकते हैं कि 3/2 और 2/-3 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए इसका कंडीशन हुआ ए वन बटा ए टू बराबर नोट बी वन बटा बी टू। तो इस कंडीशन का नाम क्या है, ये वाला, उसने क्या पूछा संगत है कि असंगत है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा संगत, यानी इसका जवाब हो गया संगत, ठीक है। संगत ही पूछा था ना, हाँ ठीक है, संगत या असंगत, तो बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी में दो नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, इसी का दो नंबर सवाल, तीन का ही दो नंबर क्या है, यह है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। तो इसमें सवाल है 2x माइनस 3y बराबर में 8 है, तो इधर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 बराबर समीकरण एक। फिर आपका है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y और उसके बराबर में 9 है, तो इधर कर लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 9 बराबर जीरो समीकरण दो, ठीक है। तो सवाल तीन देख लिए, ठीक है, आपके बुक में यहाँ बराबर इधर था तो बराबर से इधर कर दिया तो माइनस 9 हो गया, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो फिर से देखते हैं क्या आता है, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर देख के लिखिए, ये आएगा 2/4, ये आएगा माइनस 3/6 और ये आएगा माइनस 8/9, ठीक है। तो देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिखेगा, ये कटेगा, यह कटेगा, यह भी कटेगा, वह नहीं कटेगा, ये आएगा 1/2, फिर यह भी आएगा 1/2 और यह आएगा, ये कुछ नहीं 8/9। तो देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, इसका मतलब कंडीशन आया ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, यहाँ पे नोट। तो इस नोट के साइन के लिए ये क्या हो गया, ये वाला हो गया, इसके लिए क्या होता है असंगत होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा असंगत, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल, इसी का तीन नंबर जो है वह देखते हैं।
तीन नंबर सवाल फिर से है, इसमें है, फिर से मैं मिटा कर लिख लेता हूँ। चलिए तीन नंबर सवाल है, तीन बटा टू एक्स प्लस 5/3y अब बराबर में 7 है तो इसको माइनस में मैं इधर लिख देता हूँ, यह 0 समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है 9x, उसके बाद माइनस है 10y, उसके बाद बराबर 14 है तो माइनस 14 लिख के बराबर 0 समीकरण 2 मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 में सजाएंगे और फिर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो सजाते हैं यहाँ से, देखिए तो जब सजाएंगे तो इसमें क्या आएगा, a1 का जगह पे है 3/2 और इसके बटा में आएगा 9 बराबर 5/3 इसके बटा में -10, ठीक है। अगला क्या आएगा बराबर -7 और -14, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप जानते हैं जब ये ऊपर 2 नीचे 1 है तो इसके नीचे इसका मतलब 1 होता, इसके भी नीचे इसका मतलब 1 होता, इसका सॉल्यूशन कैसा होता ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसका होगा 3/2 गुना ये क्या होगा 1/9, ठीक है। यह क्या होगा 5/3 गुना 1/-10, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होगा ये कट जाएगा, ठीक है, 1/7। अब देखिए जो कटता है उसको कटाते हैं, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपका आ गया 1/6 बराबर यह आएगा 1/-6, यह आएगा इसको कटाएंगे 1/2। तो आप क्या देख रहे होंगे कि पहला ही बराबर नहीं आया, क्या आया 1/6 और दूसरा आया 1/-6, तो इसलिए इस सवाल का कंडीशन जो हो गया वह मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1/a2 बराबर नोट हुआ b1/b2। इस कंडीशन का क्या नाम है, इस कंडीशन का नाम है ये, और इसको कहते हैं संगत। तो इसका आंसर क्या हुआ, संगत, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, चार नंबर सवाल आपका है 5x-3y बराबर है 11, इसको मैं लिख देता हूँ -11, इसको समीकरण 1। अगला इसी में है -10x+6y अब बराबर में आपका है -22, ये हो जाएगा +22, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो ये सवाल भी आप देख रहे हैं, इसको भी क्या करना है a1/a2 में सजाना है, इसको जब सजाएंगे तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जब सजाएंगे तो क्या होगा आपका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5/-10, फिर क्या होगा -3/6 और फिर क्या होगा -11/22। इसको जब हम कटाएंगे तो यह क्या आएगा -1/2, यह भी आएगा -1/2, यह भी आएगा -1/2। ये क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर हो गया, तो यही कंडीशन मिल गया जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक बार लिख ही देता हूँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मिलाइए ऐसा कंडीशन कहाँ है, इसमें से क्या है ये है नहीं, तो संगत और संगत देखना था, ये संगत, ये संगत, ये भी संगत का मतलब, कहने का मतलब इसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपका, संगत, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल जो 5 नंबर है उसको देखते हैं, सवाल नंबर 5 इसी का क्या है। तो 5 नंबर सवाल जो है वह क्या है, फिर से है 4/3x+2y बराबर में 8 है तो मैं -8 लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद आपका है 2x+3y बराबर में 12 है तो मैं -12 लिख देता हूँ, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो बराबर के इधर लिखते हैं, तो अब फिर से इस सवाल में भी आपको a1/a2 b1/b2 करना है, ठीक है। तो फिर से मैं कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से और सीखिए। तो a1 इसका कितना है, यह है 4/3, इसके नीचे क्या आएगा 2/1, यहाँ जो बटा में दिखाना होता अच्छी तरह से ताकि आप सोल्यूशन कर पाए। इसमें कितना होगा, फिर से होगा 2/3, इसमें कितना होगा -8 और नीचे -12। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा ये आएगा 4/3 × 1/2, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें 2/3, इसको जब कटाइएगा यह भी आ जाएगा आपका 2/3। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ये कट जाएगा ऊपर 2, तो इसका मतलब यह भी आया कितना 2/3 बराबर 2/3। तीनों आपस में बराबर होने के लिए
क्या कंडीशन होता है, तो आप देख रहे हैं ये वाला कंडीशन होता है। इस सवाल का भी आंसर क्या होगा, संगत। क्या होगा इसका आंसर, संगत। ठीक है, तो तीन नंबर सवाल भी आपका हो गया है, तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।